हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। मैं हूं मधु और आज आपको बताने वाली हूं कि आप ट्विंस फैमिली में रन करते हैं या इसका कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर होता है। तो यस, हो सकता है कि अगर आपकी नानी, आपकी माँ, आपकी बहन को ट्विंस है तो आपको भी ट्विंस हो। ये फैमिलीज में हेरिडिटरी वे में आपके मैटर्नल साइड से आप तक आ सकता है। दूसरी बात है, आजकल ट्विंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आ रही है, मतलब आसपास कई ट्विंस आपको दिखते होंगे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आजकल डॉक्टर्स ओव्यूलेटरी मेडिसिन या फिर IVF का इस्तेमाल करते हैं उन कपल्स के लिए जो शायद नेचुरली कंसीव ना कर पा रहे हो। ऐसे केसेस में ट्विंस की जो ये इंसिडेंस है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इसलिए शायद आपको लगता हो कि आजकल पहले ज़माने के कंपैरिजन में ट्विंस कुछ ज़्यादा कॉमन हो गए हो। तीसरा रीज़न है कि आजकल महिलाएं अक्सर अपनी करियर की वजह से या फिर अपने डिफरेंट गोल्स एंड एम्बिशंस की वजह से अपने करियर को फोकस देते हुए मदरहुड को लेट अपनाती है, मतलब कंसीव लेट करती है। जब वो कंसीव लेट करती है, स्पेशली आफ्टर 35 ईयर्स, जो ट्विंस होने का प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उस एज के आगे एक महिला एक साइकिल में हो सकता है एक से ज़्यादा एग्स ओव्यूलेट करे। सो ये एक और वजह है। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है आपके ट्विंस कंसीव करने के पीछे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा एक नेचुरल ट्विन कंसेप्शन था और मेरी मम्मी के साइड में, मैटर्नल साइड में ट्विंस की एक हिस्ट्री रही है, तो शायद दैट वाज अ फैक्टर फॉर मी। आपके लिए कौन सा फैक्टर है, आप उसे कैलकुलेट कर सकती है। और यस, कुछ महिलाओं का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हम ट्विंस कैसे कंसीव करें। सो देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर कंसीविंग ट्विंस। एक तो ये आपकी हेरिडिटरी फैक्टर हो सकती है, और यस, अगर आपने IVF करवाया है तो हो सकता है आपके डॉक्टर्स एक से ज़्यादा एम्ब्रायो रखे आपके गर्भ में, तो आगे जाकर हो सकता है आपको ट्विंस हो। बट दैट इज अगेन इन केस ऑफ जब आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और IVF एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर दो भ्रूण का इम्प्लांटेशन करते हैं यूट्रस में, ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा बेबी रहे आपके गर्भ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ ट्विंस इन टूडेज एरा। इसी तरीके के प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक सिंपल वे में कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को सिंप्लीफाई करके पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।